नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बता दूं कि SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और SSC MTS का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक SSC MTS का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2022 तक, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या आपको लेकर जाना है, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेकर जाना है आपको, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि देश भर में जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के बारे में अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। तो देखिए, SSC MTS में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी जो सामान्य निर्देश है, उसके बारे में आपको एक एक करके अच्छा से अच्छी तरह से समझाता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचे तो आपका कोई भी ऐसा चीज़ ना छूट जाए, ताकि आपका वहाँ पे एंट्री हो सके। अगर कोई चीज़ ऐसा चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाता है, तो हो सकता है कि आपको गेट के अंदर ना जाने दिया जाए और जो भी आपने मेहनत किया हुआ है सारा में पानी फिर जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि SSC MTS के बारे में जो भी चीज़ें बताऊंगा वो लिखी हुई चीज़ें बताऊंगा जो आपको लेकर जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस थोड़ा सा मैं इसके बारे में SSC MTS के बारे में पहले बता देता हूं, फिर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगा। तो सिलेबस में जो है टोटल 100 प्रश्न होता है, 100 नंबर का होता है। हर एक प्रश्न में सही अगर करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, 1 प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 अंक काट लिया जाता है, यानी 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो पूरा पूरी 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सिलेबस में ये तो मैंने बताया 25 क्वेश्चन मैथ का होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश और 25 क्वेश्चन GK GS करंट अफेयर मिला करके होता है, यानी टोटल 25 25 25 25 100 क्वेश्चन हो जा रहा है। टाइमिंग आपको इसमें SSC MTS में 1.5 घंटे का मिलता है, लेकिन आप अगर कभी SSC CHSL या SSC CGL का एग्ज़ाम दिए हैं या देंगे तो उसमें 1 घंटे का ही समय मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SSC MTS Tier 1 के बारे में, जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो इस वीडियो के माध्यम से हमें चर्चा करना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ले करके क्या जाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फ़ोटो आइडेंटिटी, एडमिट कार्ड के साथ आपको फ़ोटो आइडेंटिटी लेकर जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी जो होगा, जिसमें आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आधार कार्ड आप ही का होना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ही का आधार कार्ड या आप ही का पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है। यानी एडमिट कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है पूरा मिलना चाहिए। डेट, मंथ, ईयर, ये तीनों चीज़ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिल पाता है तो आपको एक एडिशनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा पूरी मैच करे, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ऐसा नहीं अगर होता है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन में आपको रोक लिया जाएगा। और सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम में अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया है, यानी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे उससे पहले भी आपका फ़ोटो लिया जाएगा अंदर, और साथ ही साथ आपका थंबनेल वगैरह जो भी सारा चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आपको देना होगा। और फिर जब आप एग्ज़ाम दे करके जब बाहर निकलेंगे तब भी आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा कर ही बाहर निकलना है, ऐसे ही बाहर नहीं निकलना है। आगे देखिए, एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है, साथ ही साथ पासपोर्ट फ़ोटो भी लेकर जाना है। जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी आपने फ़ोटो उसमें अपलोड किया था, और जो भी आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो जिस तरह का आपने अपलोड किया था, वैसा ही फ़ोटो आपको ले करके जाना है पासपोर्ट साइज़ का। कम से कम 3 से 4 फ़ोटो ले जाएँ, ठीक है। ऐसे तो 2 फ़ोटो की मांग की गई है, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है। साथ ही साथ फेस मास्क लेकर जरूर जाएं, अन्यथा आपको अंदर जाने ना जाने नहीं दिया जाएगा। तो फेस मास्क ज़रूर ले लें, हो सके तो आप एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र आप ले सकते हैं स्मॉल साइज़ का, ताकि वहाँ पे आप उसको कुछ कुछ समय में आप हाथ में लगा सकें। साथ ही साथ आप पानी के लिए आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम हॉल में पानी का उपलब्ध, पानी का सुविधा रहता है,
लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप अपना पानी लेकर जाए तो आप एक ट्रांसपेरेंट मतलब साफ सुथरा वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं जिससे आर पार दिख सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो एडमिट कार्ड में देखिएगा कि सबसे लास्ट पेज में एक होगा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको कहते हैं COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको भी आपको प्रिंट आउट करा लेना है और एडमिट कार्ड के साथ अटैच कर लेना है। उसमें कुछ कुछ फिलअप करने के लिए रहता है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिल करना होगा कि आपका कैंडिडेट्स नेम रहता है तो आपको वहाँ पे अपना नाम भरना है, कैंडिडेट्स रोल नंबर रहता है उसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है जो भी आपका रोल नंबर है, आपका एग्ज़ाम नेम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे SSC MTS Tier 1 दे रहे हैं तो SSC MTS Tier 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको एग्ज़ाम नेम भरना होगा, एग्ज़ाम डेट आपको भरना होगा जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम शिफ्ट कौन से एग्ज़ाम शिफ्ट में मतलब कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है वो भरना होगा। इसके बाद एग्ज़ाम वेन्यू नेम मतलब आप कौन से जगह पर कौन से सेंटर में आप एग्ज़ाम देने गए उस सेंटर का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको लास्ट में उसी COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लास्ट में आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। यही सारा चीज़ था दोस्तों जो कि मैंने आपको SSC MTS के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य निर्देश के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये सारा निर्देश आपके लिए काम आएगा और आप इन सभी को फॉलो करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो भी आपका एंट्री टाइम है ना, एंट्री टाइम और क्लोजिंग टाइम, उसके बीच ही आपको वहाँ पे पहुँच जाना या आप उससे आधे घंटा या एक घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाए ताकि किसी प्रकार का देरी ना हो, ठीक है। तो जो भी आपका क्लोजिंग टाइम है या एंट्री टाइम है उस पर ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाएँ, ठीक है। तो यही सारा चीज़ था दोस्तों बताना, और सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी इस साल SSC MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोस्तों और एक बार कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके। यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।